हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के उन सिलेक्टेड साथियों के बारे में जो अभी अगर एनटीपीसी में हो तो लेवल 3 वर्ग में सिलेक्ट हुए हो या लेवल 2 में सिलेक्ट होंगे या सिलेक्ट हुए हो, तथा ग्रुप डी के उन साथियों के बारे में जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हिस्सा होंगे। तो दोस्त, जितने भी साथी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनका कन्फ्यूजन जितना वीडियो बन रहा है, जितना नया वीडियो आ रहा है उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? पिछले वीडियो में पूरा क्लियरली हम वीडियो में बता दिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम कैसे बनाए, कैसे इसका कैसे कहाँ साइन कराना है। उसके बावजूद भी बहुत सारा कमेंट वीडियो पे आ गया, तो चलिए आज उसी सब कमेंट को दूर करते हैं। कोशिश करते हैं कि आज के बाद फिर इसके रिगार्डिंग कोई दूसरा वीडियो बनाना न पड़े। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, देख सकते हैं इससे पहले एक वीडियो आया था, विद इन 1 वीक पहले आया होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाए। ऐसे मैंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया, इसमें सब अच्छा से पूरा अपना डिटेल सब कुछ उसमें दे दिए जो ऐसे सर्टिफिकेट बनाना है। फिर भी ना जाने इतना ज़्यादा कमेंट आया है जो बहुत ही छात्र कन्फ्यूजन में है, जबकि ईडब्ल्यूएस को लेकर इतना कन्फ्यूजन करना ही नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। तो चलिए कोशिश करते हैं सभी जितने भी साथी हैं सबका कन्फ्यूजन दूर करें। तो आज जो हमारा पहला कन्फ्यूजन जो दोस्त का लिए है पोटेंशियल बाबूजी का, इनका कन्फ्यूजन है कि भाई ईडब्ल्यूएस नंबर जो ऑनलाइन में मिला था वही है ना। तो हाँ मेरे दोस्त, इसमें कुछ नया क्या है? आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है तो वही आपका नंबर है। उसके बाद इनका एक और है कि मेरा ऑनलाइन जो बना था उसमें एड्रेस में मिस्टेक हो गया है, तो ऑफलाइन में सही बना के बाद दिक्कत नहीं होगा ना। तो देखिए, आप EWS अभी बनवा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अभी अगर लेटेस्ट में बनवाना चाह रहे हैं तो आप अभी जैसे 2023 आ गया, 2022-23 का EWS बनवा करके आप जमा कर सकते हैं। EWS में एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि जैसे 2023 अभी आ गया है तो 2023 में आपका मार्च जैसे कि अभी जनवरी है तो मार्च में आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। 31 मार्च को जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपका ना इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा ना आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन चूंकि अगर आप DB में अब हिस्सा लेने के जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में EWS चाहिए, न कि आपके पास ये है कि 2022-23 वाला चलेगा क्या कि आगे बनवाएंगे वो चलेगा। आपके पास EWS सर्टिफिकेट चाहिए, वो पिछले साल का होगा वो भी चलेगा, अभी बनवा रहे हैं वो भी चलेगा, पहले का बना हुआ है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करें, जिस साथी के पास बस EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए बस यही आप समझ लीजिए। OBC वालों के लिए एक चीज़ है कि OBC वालों को ये डाला हुआ है, देख सकते हैं वहाँ जाकर कि OBC 1 साल पुराना होना चाहिए, लेकिन EWS में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो, आपके पास 2021-22 का वो भी लेके जाइएगा, DB होगा 22-23 का होगा वो भी लेके जाइएगा, आपके पास बस EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपका DB में आपको जाना है, EWS को छोड़ दीजिए, EWS में प्रॉब्लम हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अदर डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप बस एक एफिडेविट बनवा लीजिए, किसी वकील को पकड़िए, 100-200 खर्चा कीजिएगा, आराम से आपका एफिडेविट बन जाएगा। उसके बाद आप एक आराम से बिंदास होकर DB कराइएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि आप लोग का टेंशन खत्म हो, यहाँ तो टेंशन बढ़ ही जाता है। एक साथी है धर्मेंद्र जी, इनका कमेंट आया कि सर अगर EWS जो ओरिजिनल है और EWS रेलवे फॉर्मेट वाला है दोनों का अगर सर्टिफिकेट नंबर अलग हो जाए तो दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम आराम से, आपके पास हम बार बार रिक्वेस्ट करें, आपके पास बस EWS का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा ना आपको इनकम सर्टिफिकेट खोजेगा वहाँ DB में ना कुछ खोजेगा, सिर्फ आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट के साथ एक EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा DB में। अगर आप EWS से हैं तो आपके पास SDO लेवल तक का अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, और ये तो आप जरूर बनवा ले, साथ में CO लेवल पे उतना भरोसा नहीं करें, कहीं कहीं जिस दिन आपको DB में अगर CO लेवल वाले को निकाल दिया जाता है तब उस कंडीशन आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा बनवा के देने के लिए। तो अगर उस सब में कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, एकदम नॉर्मली DB कराना चाहते हैं तो मिनिमम बिहार से अगर आप हैं तो SDO लेवल का बनवाइए, UP से है तहसीलदार वाला बनवाइए चलेगा, और साथ में अगर पूरा फुल्ली 100% सिक्योरिटी चाहते हैं जो कोई दिक्कत नहीं हो, DB एकदम जाए और 20 मिनट में आपका काम खत्म होकर बाहर निकल जाए, तो आप रेलवे फॉर्मेट रेलवे दे रही है उसमें बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बात है OBC वालों के लिए, अगर आप OBC एक बात दिमाग में रख लीजिए, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वाले को लेकर दिक्कत हो रहा है, और जगह दिक्कत उतना नहीं हो रहा है, UP में है तो वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार वाले को दिक्कत ये हो रहा है
कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट देते हैं और वो रेलवे फॉर्मेट में नहीं है, पिछले वीडियो में हम दिखाए थे आपको, तो उस कंडीशन में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अब किसी डिवीजन में, किसी जोन में अगर किसी बोर्ड के द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो रूल हो गया सब जगह फॉलो होगा। वो कहीं कहीं ठीक है, कहीं डीबी अधिकारी एक्सेप्ट कर भी लिए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप डीबी में फुल्ली टेंशन फ्री होकर जाना चाहते हैं तो ओबीसी वाले रेलवे फॉर्मेट में या ईडब्ल्यूएस वाले रेलवे फॉर्मेट में बनवा लीजिए, आप टेंशन फ्री रहिएगा। ये टेंशन फ्री होने के लिए है। नॉर्मली अब सीईओ लेवल का बनवा के रखिएगा तो आपको डीबी तक टेंशन होते रहेगा, क्या होगा, तो क्या उसमें बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल आप बाहर नहीं होइएगा, आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप एसडीओ लेवल का बनवा करके दीजिए। तो यही सब बात होगा आपकी डीबी में, और ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक मित्र का कमेंट देख लीजिए, प्रशांत कुमार जी का, इनका कमेंट है ईडब्ल्यूएस जो हम बनाएंगे वो डीएम लेवल या एसडीओ लेवल का लगेगा या दोनों, क्या इनकम रेसिडेंशियल सब भी एसडीओ लेवल का होना चाहिए या सीओ भी चलेगा? तो दोस्त आप समझ लीजिए सीधा बात, ना आपका सीओ आपको बनवा के लेके जाना है ना आपको डीएम के पास जाना है, आप बस एसडीओ लेवल तक बनवा लीजिए, चलेगा नहीं दौड़ेगा। आप पूछ रहे हैं चलेगा क्या, चलेगा नहीं दौड़ेगा, सीओ लेवल के भरोसे रहिएगा, हो सकता है आपको 10 दिन का बाद में टाइम लेके बनवाना पड़े। और दूसरी बात है, आपको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए एसडीओ लेवल से बनवाते हैं तो सिर्फ आपका सीओ लेवल का या आरओ लेवल उसको भी बोला जाता है, उसका एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद आपको अगर एसडीओ लेवल का बन गया ईडब्ल्यूएस तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस आपको डीबी में चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, न इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और नहीं कुछ, डीएम लेवल का भी नहीं चाहिए, न सीओ लेवल के भरोसे रहिए, आप एसडीओ लेवल तक का बनवा लीजिए। फॉर्मेट में बनवाते हैं, रेलवे फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो 100% गारंटी आप जाएंगे डीबी में 10 मिनट में निकल जाएंगे। अगर आप एसडीओ लेवल तक रखते हैं तो भी आपको बाहर मतलब फिर दोबारा टाइम मिल सकता है, 10% उसका चांस है, 90% एसडीओ लेवल है तो आप आराम से आपका डीबी हो जाएगा। और अगर 100% टेंशन फ्री होकर जाना चाहते हैं तो बस बात वही है, रेलवे फॉर्मेट बनवा लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। एक और साथी का कमेंट है, राहुल जी का कमेंट है कि ऑल डॉक्यूमेंट इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन में दिया है तो ईडब्ल्यूएस हिंदी में बनाएंगे कि इंग्लिश में? तो देखिए, जब सब डॉक्यूमेंट हिंदी में मिल रहा है या इंग्लिश में मिल रहा है तो बस इसी दो भाषा में से किसी एक भाषा में आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, आपका आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश या हिंदी जो आप बनवाइएगा दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कमेंट है नीचे प्रणव जी का कि सर मैंने ईडब्ल्यूएस तहसीलदार से करंट वाला 2022-23 का ऑनलाइन बनाया था। तो देखिए, आप तहसीलदार बोल रहे हैं तो क्या तो आप यूपी से होंगे या हरियाणा से होंगे, बिहार से तो आप कंफर्म नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, तहसीलदार से आपका साइन मुहर रहेगा लगा हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 22-23 के आप किसी भी ईयर का दीजिएगा, आपका ईडब्ल्यूएस सब एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। बस अगर आप बिहार से बाहर है, बिहार में है तो एसडीओ लेवल तक जरूर बनवाइए, अगर उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो रेलवे फॉर्मेट बनवा लीजिए 100% टेंशन फ्री के लिए, और बिहार से बाहर है तो ईडब्ल्यूएस तहसीलदार वाला बिल्कुल चलेगा। एक और कमेंट लेते हैं, अखिल राजपूत जी का कमेंट है, यह एक घंटा पहले आज का भी कमेंट आया है। भाई मैं बिहार गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 6 महीने पहले का है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं तो क्या हुआ, 6 महीने पहले का है तो आराम से चलेगा, टेंशन फ्री रहिए, आराम से लेके जाइए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जब आप ज्वाइनिंग में जाइएगा, जब आप ज्वाइनिंग के टाइम आपको जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कराना होता है उसमें आपको एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, 6 महीने उसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन उसमें अगर 6 महीने से ज़्यादा 8 महीने भी आपका हो गया तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कमेंट आता है कि सर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए थे, 8 महीने हो गया, क्या हम दोबारा फिर अप्लाई कर दें क्या? तो देखिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कोई दिक्कत नहीं है, एसपी सर का बना हुआ साइन है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आप जा रहे हैं, 6 महीने की जगह पे 8 महीने हो गया, आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, उसी के आधार पर साइन हो जाएगा। तो ये नहीं है कि 1-2 महीने ज़्यादा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले में तो आपको दोबारा फिर अप्लाई कर दे क्या, बनवा ले क्या, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उतना ही वैल्यू है कि आपको एसडीओ सर साइन कर देंगे, बात खत्म है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेंट अग्रवाल जी का लेते हैं, सर 2019-20 का है ईडब्ल्यूएस पर अभी फिर से लेटेस्ट बनाने में दिक्कत हो रहा है, ये चलेगा पुराना वाला? तो इसका जवाब हम दे चुके हैं, बिल्कुल चलेगा। एक है मनोजीत जी का, उनका है मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2021-22 का है डीएम लेवल का, तो क्या मुझे फिर से NXJ3 फॉर्मेट में बनाना हो गया? देखिए, आपका डीएम लेवल तक है तो आपको बनवाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लोग सीओ लेवल का बनवाकर पूछते हैं कि सर काम चलेगा क्या, आप तो डीएम लेवल तक बना लिए तो आपको क्या दिक्कत होगा, आपको एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपको ऐसे हम रिप्लाई दे चुके हैं, देख सकते हैं रिप्लाई में बोल दिया नहीं, तो जो डीएम लेवल तक बन गया तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उस पर भी काम चला सकते हैं, आराम से काम चलेगा। हाँ,
पहले जब आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, जैसे आप डीबी में जाइएगा, सबसे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके साथ अगर 20 स्टूडेंट का उस टाइम में होगा और उसमें से अगर 18 लोग के पास रेलवे फॉर्मेट में होगा, 2 लोग के पास रेलवे फॉर्मेट में नहीं होगा, तो उस टाइम आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, सोचिएगा यार हम क्यों नहीं बनवा लिए पहले से। तो इसलिए रेलवे फॉर्मेट हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ हम लोग जब गए थे तो एक लड़की ऐसी थी जिसके पास बस रेलवे फॉर्मेट नहीं था, बाद बाकी सबके पास रेलवे फॉर्मेट में बना हुआ EWS था। तो उनको क्या हुआ, लास्ट में उनको लिख दिया गया कि आप 10 दिन का टाइम मिलता है, 10 दिन में बना करके जमा कीजिए। तो ये सब टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए अभी हम बार बार कह रहे हैं रेलवे फॉर्मेट फर्स्ट नंबर बनवा लीजिए, नहीं बनता SDM लेवल तक बनवा के रखिए, और CEO लेवल हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि CEO लेवल बना के रखिए, काम चलेगा। हम कभी नहीं बोले हैं किसी वीडियो में कि CEO लेवल वाला चलेगा। तो दोस्त कैसा लगा यह, अभी और एक आध कन्फ्यूजन ले लेते हैं, क्या पता किसी साथी का हो। एक कन्फ्यूजन ले लेते हैं जो कि, सर मैं बिहार से हूँ, जब मैं फॉर्म भरा था तो CEO लेवल बनवाया था, उसी से फॉर्म भरा था, लेकिन अब रेलवे फॉर्मेट में SDO लेवल बना लिया हूँ और ऑनलाइन भी DB में, कौन सा दूर समझ नहीं आ रहा। तो दोस्त इसमें समझना क्या, पुराना CEO लेवल आपका बना हुआ है और अभी आप SDO लेवल बना लिए, तो कन्फर्म आप पहले CEO के यहाँ साइन करवाए होंगे फिर SDO के यहाँ साइन हुआ होगा, तो आपको टेंशन क्या है, आप दोनों सर्टिफिकेट लेके जाइए DB में, जो वहाँ लेंगे वो आप दे दीजिएगा, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ EWS का आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, सबसे पहली बात कि उस टाइम आप कौन सा सर्टिफिकेट दिए, अभी कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं DB में, वो नहीं देखा जाएगा, वो उसमें नाम देखा जाएगा, फादर नेम मिलाते हैं और आपका कास्ट मिलाते हैं, जो आपका कहाँ क्या है, रेलवे फॉर्मेट में कास्ट नहीं है ये भी बात है, तो आपको बस वो मिला लेंगे, देख लेंगे जो हाँ सही है, उस पर फोटो लगा हुआ साइन मोहर रहना चाहिए, बात खत्म, आप EWS में सिलेक्टेड है। तो घबराने का बात बिल्कुल नहीं है, हाँ जितना आप सोचिएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन EWS वालों के लिए नहीं है, तो आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोग हो रहे हैं। एक कमेंट और ले लेते हैं सलील शेखर जी का, पिछले वीडियो में भी शायद इनका कमेंट लिए थे कि नहीं बनवाएंगे EWS अगर नहीं बनवाते हैं तो क्या ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम भी होगी। तो देखिए दोस्त, EWS बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा है कि हम UR के नंबर जितना है UR के कटअप से बहुत आगे हैं, UR में हम आराम से क्वालिफाई होंगे, तो उस कंडीशन में जैसे ही आप DB में जाइएगा तो क्या होगा। मेरे एक मित्र दिए थे NTPC में, तो उनका आशुतोष जी उनका नाम है, तो आशुतोष जी मेरे साथ ही बगल में थे, तो उनका क्या हुआ कि वो EWS से थे लेकिन UR का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब हम UR से ही काउंट हो जाएंगे, तो DB अधिकारी जब EWS का सर्टिफिकेट उस टाइम मांगे तो वो बताएं कि सर हम EWS सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बना नहीं है क्योंकि हमको UR में, तो वो पूछे कि जो DB अधिकारी थे वो पूछे कि सच में UR में क्वालिफाई हो जाओगे ना, तो बोले जी सर आराम से हो जाएंगे, तो अपना रिस्क पे ये बोल दिया कि ठीक है तुम जानो, और उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर में, हम भी वहीं पर थे, डॉक्यूमेंट के ऊपर में UR लिख दिए, तो वही होगा। आप अगर पूरा श्योर हैं कि हम UR से सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप DB में UR में सेलेक्ट हो जाइए, EWS का सर्टिफिकेट भले फॉर्म आप EWS से भरे हो लेकिन UR में आ जाइएगा, सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा, कट ऑफ पार है तो जरूरी मतलब UR EWS से UR में चले जाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप टेंशन लीजिएगा, आप नहीं दीजिए EWS कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क आपके ऊपर है कि UR में अगर आप नहीं आइएगा तो वो रिस्क आपका है। तो दोस्त अब समझते हैं कि आपको EWS के इस वीडियो देखने के बाद क्या क्या समझ में आ गया होगा और क्या कन्फ्यूजन नहीं होना है, सो समझते हैं। सबसे पहले अब इस वीडियो के बाद क्लियरली समझ जाइए, EWS में अगर आप आते हैं तो एनी किसी भी ईयर का आप EWS सर्टिफिकेट दीजिएगा, सब एक्सेप्ट होगा, आप EWS में आएंगे। अगर आपके पास RO लेवल पे फुल्ली भरोसा नहीं करना है, आपको SDO लेवल तक जरूर बना लेना है, जिनका SDO लेवल बन गया वो भी चलेंगे, तहसीलदार तक बन गया वो भी चलेगा, रेलवे फॉर्मेट में अगर मान लीजिए SDO लेवल तक बन गया आपका और उसके बाद आपका अगर रेलवे फॉर्मेट में नहीं है लेकिन आप जब DB में जाएंगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका पूछा जाएगा रेलवे फॉर्मेट में है या नहीं, आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तहसीलदार वाला SDO वाला है तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, आपको कोई भी DB में कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है, टेंशन फ्री रहिएगा, एफिडेविट बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, फादर नेम मदर नेम सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ आपका वही होगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्या करना है एफिडेविट बनवा लेना है, ये नहीं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो क्या अभी नाम सुधरवाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एफिडेविट बनवाइए आराम से काम चलेगा। जो साथी NTPC वाले वीडियो देख रहे हैं तो दोस्त जैसे आपका DB और मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा आपका पहला काम बचेगा, आपको क्या करना है तो डॉक्यूमेंट के लिए बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, चेकबुक ऑनलाइन कर देना है, मतलब ऑनलाइन ले लेना है,
चेकबुक आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ में आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब आप डीबी मेडिकल से आएंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले अप्लाई करेंगे एसपी ऑफिस से, ये बनवा लीजिएगा। तो दोस्त कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।